नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया फिट में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन के इस्तेमाल के फायदे और नुकसान के बारे में। लगभग हर किचन में मौजूद लहसुन का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ लोग कई तरह के फायदे पाने के लिए लहसुन को कच्चा भी खाते हैं। इसमें विटामिन B6, विटामिन C, फाइबर, प्रोटीन और मैग्नीशियम आदि जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। क्या आप जानते हैं कि रोजाना सुबह लहसुन की एक कली खाने से आपको हेल्थ से जुड़े कई फायदे मिल सकते हैं? इसके बारे में एक्सपर्ट्स के द्वारा की गई स्टडी के अनुसार लहसुन की एक कली को खाली पेट गुनगुने पानी के साथ खाने से लाभ होता है। लहसुन की एक कली खाने से क्या फायदे होते हैं, चलिए यही जानते हैं। नंबर 1, लहसुन डाइजेशन में सुधार करता है और एसिडिटी को रोकता है। रोजाना लहसुन की एक कली के सेवन से शरीर में बनने वाले गैस्ट्रिक जूस के पीएच में सुधार होता है और इससे पाचन क्रिया को बेहतर बनाए रखने में भी मदद मिलती है। पुराने लहसुन का अर्क गैस्ट्रिक म्यूकोसल स्तर को ठीक करने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण आंतों में विभिन्न प्रकार के परजीवियों और माइक्रोबियल संक्रमणों को मारते हैं। लहसुन में बायोएक्टिव सल्फर यौगिक SLE-Cyst होता है। ये 10 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर और 8 mmHg डायलोस्टिक प्रेशर को कम करने का काम करता है। इसके अलावा सल्फर की कमी से होने वाली हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर भी लहसुन ब्लड प्रेशर को स्थिर करने में मदद करता है। नंबर 2, कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए खाएं लहसुन। लहसुन के औषधीय गुणों के वजह से ये कैंसर के जोखिम को कम करने में भी सक्षम होता है। दरअसल लहसुन में एंटी कैंसर गुण होते हैं जो गंभीर और जानलेवा कैंसर से लड़ने का काम करता है और इसके परिणामों को कंट्रोल भी करता है। नंबर 3, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है लहसुन। लहसुन की सांद्रता ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे LDL कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीकरण और ब्लड वेसल्स में प्लाक को रोका जा सकता है। नंबर 4, लहसुन किडनी डिजीज में भी मदद करता है। एलिसिन एक यौगिक है जो लहसुन में पाया जाता है। ये किडनी की शिथिलता, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीडेटिव तनाव को दूर करने में मदद करता है। इसमें एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीऑक्सीडेंट और नेफ्रोप्रोटेक्टिव प्रभाव होते हैं। नंबर 5, लहसुन इम्यूनिटी में सुधार लाता है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि लहसुन सूजन को कम करने और इम्यून फंक्शन को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है, जो एंटीऑक्सीडेंट की सामग्री और एलिसिन जैसे सल्फर युक्त यौगिकों के कारण हो सकता है। नंबर 6, प्राकृतिक एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी फंगल होता है लहसुन। लहसुन का उपयोग सदियों से विभिन्न समाजों में संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए किया जाता रहा है। नियमित रूप से लहसुन खाने से सामान्य सर्दी, फ्लू, पेट में संक्रमण, श्वसन संक्रमण और UTI को रोकने में मदद मिल सकती है। जब आप बीमार होते हैं तो लहसुन खाने से आपके लक्षणों की गंभीरता को कम किया जा सकता है और आपको तेजी से ठीक होने में मदद मिल सकती है। अगर हो सके तो लहसुन का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इसे खाने से पहले आप काट कर और क्रश करके कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से इसमें मौजूद एलिसिन गुण को बढ़ावा मिलता है और ये एक ऐसा यौगिक है जो कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभों के लिए फायदेमंद होता है। अब बात लहसुन के फायदों की तो कर ली, लेकिन क्या लहसुन खाने से कोई नुकसान भी हो सकते हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, लहसुन खाने के बहुत सारे फायदे तो हैं ही, लेकिन बहुत ज्यादा लहसुन खाने से आपको कई समस्याएं भी हो सकती हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए तो लहसुन खाना बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। लहसुन का सेवन संतुलित मात्रा में ही शरीर के लिए फायदेमंद होता है। जो लोग कच्चे लहसुन का सेवन करते हैं उन्हें इसकी मात्रा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। निर्धारित मात्रा से ज्यादा लहसुन खाने से आपको कई समस्याएं हो सकती हैं। चलिए लहसुन खाने से होने वाले कुछ नुकसानों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, उल्टी और दस्त की समस्या।
बहुत ज्यादा लहसुन खाने से आपको उल्टी और दस्त की समस्या हो सकती है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ यूएस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि खाली पेट लहसुन खाने से आपके पेट में जलन की समस्या हो सकती है और ये उल्टी या दस्त का कारण भी बन सकता है। लहसुन में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी वजह से GERD गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स रोग हो सकते हैं। इसलिए आपको भी लहसुन खाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि लहसुन आपको सूट भी कर रहा है या फिर आपको लहसुन से किसी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं है। नंबर 2, लिवर के लिए नुकसानदायक। बहुत ज्यादा लहसुन खाने से लिवर को गंभीर नुकसान हो सकता है। कच्चे लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट के कारण लिवर में विषाक्त पदार्थ जमा हो सकते हैं। इसकी वजह से लिवर टॉक्सिसिटी की समस्या हो सकती है, इसलिए आपको बहुत अधिक मात्रा में लहसुन खाने से बचना चाहिए। नंबर 3, ब्लीडिंग की समस्या। बहुत ज्यादा लहसुन खाने से आपको ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। लहसुन में कुछ ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो खून को पतला करने का काम करते हैं, इसलिए अगर आप खून को पतला करने वाली दवाओं का सेवन करते हैं तो इसके साथ लहसुन का सेवन हानिकारक हो सकता है। नंबर 4, चक्कर आने की समस्या। बहुत अधिक मात्रा में कच्चा लहसुन खाने से चक्कर आने की समस्या हो सकती है। कई शोध और अध्ययनों में ये कहा गया है कि कच्चा लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है, इसकी वजह से आपको चक्कर भी आ सकते हैं। नंबर 5, हार्ट बर्न का कारण बन सकता है लहसुन। बहुत ज्यादा लहसुन खाने से आपको हार्ट बर्न की समस्या भी हो सकती है। खाली पेट बहुत ज्यादा लहसुन खाने की वजह से एसिडिटी हो सकती है और इसकी वजह से आपको सीने में जलन या हार्ट बर्न की समस्या हो सकती है। ऐसे लोग जो एसिडिटी या पेट में खराबी से पीड़ित हैं, उन्हें बहुत ज्यादा लहसुन खाने से बचना चाहिए। लहसुन का बहुत ज्यादा सेवन करने से कुछ लोगों को बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए कुछ समस्याओं और स्थितियों में लहसुन का सेवन करने से बचना चाहिए। जैसे कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लहसुन खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा बहुत छोटे बच्चे को भी लहसुन खिलाने से परहेज करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लिवर से जुड़ी बीमारी से पीड़ित है तो भी लहसुन का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। अगर कोई शरीर में खून की कमी या ब्लड प्रेशर आदि की समस्या से परेशान है तो भी लहसुन ना खाने की सलाह दी जाती है। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे हमारी मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही बना रहे। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।